अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। आज मेरी आंखों के सामने राष्ट्रीय जीवन का वो जगमगाता पृष्ठ उभर कर आ रहा है, जब नंदवंश के अत्याचारों से त्रस्त जनता को संरक्षण देने के लिए आर्य श्रेष्ठ चाणक्य ने पावन प्रतिज्ञा की थी और कालांतर में ऐसे राज्य की स्थापना की थी जिसने देश के भीतर स्वर्ण युग का सूत्रपात किया था। अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि दिल्ली में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगी हुई है। केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर दिल्ली सरकार को अस्थिर करने के लिए तुच्छ आधार पर मुख्यमंत्री को सम्मन भेजती है और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाती है। अध्यक्ष महोदय, भारत एक महान देश है, पर नैतिकता के पतन की ओर किस तरह से धसता जा रहा है, ये अपने आप में एक शर्मनाक बात है। आज देश जिस संकट से गुजर रहा है, वहां केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने आप में समझौतावादी सरकार के रूप में उभर कर आई है। कानून का दुरुपयोग करने वाली कोई सरकार है तो केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये सरकार केवल एक राज्य के लिए नहीं अपितु पूरे लोकतंत्र के लिए अपने आप में खतरा बन गई है। अध्यक्ष महोदय, लोग कहते हैं कि कल का दिन जो गया हुआ कल है, बीता हुआ कल है, वो इतिहास में काले दिन के रूप में जाना जाएगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं तो ये कहूंगी कि कल का दिन प्रधानमंत्री बनने के लिए अरविंद केजरीवाल जी का उठाया एक पहला कदम है। मुझे लगता है कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। हाँ, उसे समझने में थोड़ा सा वक्त जरूर लग जाता है, लेकिन सत्य हमेशा शाश्वत रहता है। अध्यक्ष महोदय, राजनीतिक महत्वाकांक्षा कोई अपने आप में बुरी बात नहीं है, लेकिन यदि व्यक्तिगत आकांक्षा की पूर्ति के लिए दिल्ली को राजनीतिक अस्थिरता की कगार पर खड़ा कर दिया जाए तो यह अपने आप में अनुचित है। अध्यक्ष महोदय, कई बार मन में ये विचार आता है, बार बार ये विचार आता है कि ये सब क्या हो रहा है। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हाजमा अपने आप में इतना कमजोर हो गया कि दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, शायद हम उन्हें कहीं हजम नहीं हुए। अध्यक्ष महोदय, आम आदमी पार्टी की सरकार को कैसे खत्म किया जाए, कैसे बर्बाद किया जाए, उसके लिए किस प्रकार के षड्यंत्र रचे जाएं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम रह गया कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली से उखाड़ करके फेंका जाए। अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय एजेंसियां ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है और ऐसा लगता है कि दिल्ली में तो जैसे इन्होंने तांडव सा मचा दिया है। ये सवाल अध्यक्ष महोदय, अब मुझे लगता है सबके मन में आता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि केंद्र सरकार ने अपनी सारी ताकत अरविंद केजरीवाल जी को बर्बाद करने के लिए झोंकती है। अध्यक्ष महोदय, अरविंद केजरीवाल जी इनकम टैक्स में ऑफिसर थे, अपनी नौकरी को छोड़कर के सुंदरनगर की झुग्गियों के अंदर गए, गरीबों के लिए राशन की लड़ाई लड़ी, और एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को खत्म करके गरीबों की देखरेख करता है, उनके हितों की रक्षा करता है, ऐसे व्यक्ति को अगर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाया जाएगा तो मुझे लगता है कि शायद दुनिया के अंदर कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं रह जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं आम आदमी पार्टी का हिस्सा हूं और इसके संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी हैं, जिन्होंने
भारत को ही अपना सर्वस्व माना है, जिनकी एक एक सांस लोगों की जिंदगी के लिए समर्पित है और जो केवल देश के लिए ही जीते और मरते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी, माननीय अरविंद केजरीवाल जी शुगर के पेशेंट हैं। डॉक्टर ने बहुत सारी हिदायत दी है कि वो तरीके से रहें, टेंशन ना लें, लेकिन उसके बावजूद भी 2-3 बार उन्होंने स्वयं अनशन किया 15-15 दिन का। और जो उनका एक सपना है कि भारत की राष्ट्र विरोधी ताकतों को खत्म कर भारत को नंबर 1 कैसे बनाया जाएगा, वो हमेशा इसी ओर अग्रसर रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो भारत के अंदर बहुत बड़े बड़े राजनीतिक दल रहे, दशकों तक उन्होंने राजनीति की, मगर अभी हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री, अगर उन्हें किसी से डर सताता है तो उनका नाम माननीय अरविंद केजरीवाल जी है। एक पार्टी, एक व्यक्ति को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत का दुरुपयोग करने वाले देश में बैठी केंद्र शासित भाजपा की सरकार अन्याय कर रही है, जो अपने आप में ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, केंद्र में यूं तो कई पार्टियां आई, बहुत बड़े बड़े बहुमत से भी जीत करके आने वाली सरकारें बनी, लोगों ने पार्टियों की दोस्ती को भी देखा और राजनीतिक दुश्मनियों को भी देखा, लेकिन आज तक राजनीतिक इतिहास में मुझे ये मालूम नहीं पड़ता कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए अपने मनमाने ढंग से सरकार का दुरुपयोग करना, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किसी सरकार ने किया हो, ऐसा इतिहास में कहीं नजर नहीं आता। अध्यक्ष महोदय, अब प्रश्न ये है कि वर्तमान में क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि वर्तमान में बड़ी बेशरम ऐसी बात हो रही है जिसे हमें यहां कहते हुए भी शर्म आती है, और बड़े चीप शब्दों में कहूं तो खुल्लम खुल्ला नंगा नाच हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, ईडी और सीबीआई का गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए खुल्लम खुल्ला दुश्मनी निकाली जा रही है। हम एक छोटे से राजनीतिक दल हैं भाई, मैं तो बीजेपी वालों को कहना चाहूंगी, हम एक बहुत छोटी सी पार्टी है, 2 राज्यों में सरकार चला रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टी जब से बने हैं तब से हम इन्हें हजम नहीं हो रहे। हमारी और बीजेपी की तो माना जाए तो तुलना नहीं हो सकती, और प्रधानमंत्री जी तो स्वयं ही कहते हैं कि हमारा डंका तो तीनों लोक के अंदर बजता है। दुनिया भर के दुश्मनों को छोड़कर एक छोटी सी अदनी सी आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ में इस तरह की दुश्मनी जो केंद्र में बैठी हुई भाजपा की सरकार निभा रही है, इससे इनकी मानसिकता का पता चलता है। भाजपा वाले बोलते हैं हम बहुत इज्जतदार लोग हैं, तो मैं तो कहना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय, इज्जतदार लोग भी दुश्मनी भी बड़ी इज्जतदार तरीके से ही निभाते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये दुश्मनी निभाते निभाते बहुत निम्न स्तर तक आ गए हैं। मैं तो कहूंगी भाजपा वालों, कहां तक गिरोगे? चट्टान से टकरा रहे हो, चट्टान से, और वो चट्टान का नाम है अरविंद केजरीवाल। और जितनी बार चट्टान से टकराओगे तुम्हें चोट ही लगेगी। हम तो बता सकते हैं, बाकी निर्णय तो आप लोगों का ही है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अरविंद जी के लिए 4 पंक्तियां कहूंगी कि सच्चाई जीवन को आधार बना देती है, सच्चाई जीवन को आधार बना देती है, सच्चाई ठोस संसार बना देती है, सच्चाई के उत्कर्ष की राह, सच्चाई के उत्कर्ष की राह जब निकलती है, सच्चाई इंसान को खुददार बना देती है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे कुलदीप भाई ने कहा, कंस को पता था कि कृष्ण के हाथों उनका वध होना है, उनका अंत होना है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हर बार कृष्ण को हानि पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं किया, और जब जब उन्होंने हानि पहुंचाई तब तब भगवान कृष्ण का बाल भी बाका नहीं हो सका। अध्यक्ष महोदय, आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है,
देश की जनता मुझे लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है उसे सबको देख रही है। जब देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी तो दिल्ली में इमरजेंसी लगी थी, मीसा एक शब्द होता था उसको लेकर के कानून बनाया था, वो खैर अब तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय कि उसका अर्थ केवल एक ही था कि विपक्ष को खत्म कर दिया जाए। जब विपक्ष नहीं रहेगा तो केवल एकमात्र सरकार का अस्तित्व रहेगा। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में भी यही सब कुछ हो रहा है। ईडी और सीबीआई अपने आप में एक स्वतंत्र एजेंसी है। वर्तमान में केंद्र शासित भाजपा सरकार का इन पर पूर्ण आधिपत्य है। ईडी और सीबीआई जिस तरीके से काम कर रही है, लगता है कि दिल्ली में एक इमरजेंसी का स्वरूप वर्तमान में मिल गया है, जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी कहूं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सीबीआई और ईडी, केंद्र सरकार ने जैसे चूचू का मुरब्बा होता है ना, उस तरह से काम कर रही। अध्यक्ष महोदय, अब बीजेपी और सीबीआई तय करेगी कि दिल्ली में किसके खिलाफ मुकदमा चलेगा, कौन जेल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यूपी के अंदर भी सरकार है, वहां नकल माफिया चलता है, वहां भू माफिया है, यूपी के अंदर टीचर्स घोटाला हुआ। हमने तो आज तक वहां ईबीआई और ईडी का कोई रोल नहीं देखा, उनको समझ ही नहीं आता कि यूपी के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि राजनीतिक लोगों का स्तर, जो बीजेपी में बैठे हैं, उनका बौद्धिक स्तर अपने आप में बहुत निम्न प्रकार का हो गया। ईडी और सीबीआई का तानाशाही पूर्ण रवैया और ये जांच एजेंसियां जिस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित करती हैं, डराती हैं, धमकाती हैं, जबरन बयान लेती हैं, ऐसा लगता है कि लोकतंत्र का जो स्तर है वो रसातल को कहीं ना कहीं छू गया है। केंद्र शासित भाजपा के औसत राजनेता, मुझे लगता है कि उनकी मानसिकता, उनमें तीन प्रकार के घिनौने अभावों का समिश्रण मिलता है। उनमें ना तो बुद्धि है, उनमें ना चरित्र है, उनमें ना तो ज्ञान है। आज इस दशा में ऐसा महसूस होता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। दिल्ली, पंजाब, गुजरात, गोवा और उसके बाद अनेकों राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, दिल्ली में हमने स्कूल बनवाए, दिल्ली में हमने अस्पताल बनवाए, दिल्ली में हमने सड़कें बनवाई, पानी दिया, बिजली दिया, इन्होंने 75 साल में क्या किया, ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है अध्यक्ष महोदय। और मैं तो एक बात कहूंगी कि एक बार गुजरात में मोदी जी को एक क्लासरूम के साथ में फोटो खिंचवानी थी, बड़े शर्म की बात है, उन्होंने टेंट को क्लासरूम की शक्ल दी और उसमें अपनी फोटो खिंचवाई। अध्यक्ष महोदय, एक लेखक हुए हैं, उनका नाम है श्री अरविंद, उन्होंने एक पुस्तक लिखी श्री अरविंद का स्वप्न, उसमें उन्होंने ये पंक्तियां लिखी कि भारत माता कोई मिट्टी का ढेला नहीं है, वो अपने आप में एक शक्ति है, वो अपने आप में एक देवी है। और अध्यक्ष महोदय, कहां आज के वर्तमान में भारत का स्वरूप, इसे तो आज के पेशावर राजनेताओं ने नरक के कुंड के अंदर धकेल दिया है, ऐसा भारत की जनता महसूस करती है। अध्यक्ष महोदय, एक बात और कहूंगी, बड़े दुख की बात है, बड़ी पीड़ा की बात है, आज हमारे देश में जो तिरंगा लहरा रहा है उसके रंग बदल गए हैं। आज उसका रंग काला हो गया, आज उसका रंग लाल हो गया, आज उसका रंग कथई हो गया। और मुझे लगता है कि काला रंग धन लोलुपता को दर्शाता है, लाल रंग फीताशाही को दर्शाता है, और इसके साथ में कथई रंग भ्रष्टाचार का प्रतीक है। अध्यक्ष महोदय, आज बीजेपी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, आप कंप्लीट कर लीजिए, बस एक सेकंड, एक मिनट और लूंगी मैं। आज मुझे लगता है कि बीजेपी और मोदी सरकार केजरीवाल जी को डराना चाहती है, धमकाना चाहती है, उनके बढ़ते हुए कदमों को रोकना चाहती है।
अहंकार और सत्ता के नशे में डूबी हुई सरकार इसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये समझ लेना चाहिए कि वो ना तो हमें डरा सकती है, ना हमें धमका सकती है, ना हमें रोक सकती है। ये परिवर्तन की आंधी है, ये व्यवस्था परिवर्तन की आंधी है और ये आंधी यूं ही चलती रहेगी। अध्यक्ष महोदय, बस एक छोटी सी बात को कह के मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं केंद्र शासित भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये कहना चाहूंगी कि किसी के भी साथ गलत करके, ध्यान से सुनिए, भाजपा वाले साथी भी हमारे यहाँ पर बैठे हैं, कि किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब किताब। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय भारत।